उज्जैन के जयसिंहपुरा में सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को अमृत कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। उज्जैन के जयसिंहपुरा क्षेत्र में पिछले 3 वर्ष से संपूर्ण विश्व की भलाई की कामना को लेकर धार्मिक आयोजन होता है। आम नागरिक स्थानीय रहवासी धर्म के मार्ग का अनुसरण कर भक्ति के मार्ग पर चलें और जयसिंहपुरा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी स्थानीय रहवासियों का भक्ति के प्रति लगाव बढ़े, इसी कामना को लेकर इसी मकसद को लेकर धार्मिक कथा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ वर्षों से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन प्रतिवर्ष किया जाता है। धार्मिक कार्यक्रम कथा स्थल पर किए जा रहे हैं, जहाँ बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी और आम नागरिक पहुँच रहे हैं। यह कथा 16 तारीख से लेकर प्रारंभ होकर के 22 तारीख तक होगी। चिंतामणि रोड गोविंद धाम पर रही है। सात दिवस इसमें श्री श्री 108 गिरिजी महाराज हरिद्वार से पधार रहे हैं, उन्हीं के आगमन से यह कथा सुनाई जा रही है। कथा से क्या मानते हैं आप, कथा से क्या प्राप्ति होती है और किस प्रकार से क्या लगता है? यह कथा जन कल्याण की भावना से कराई जा रही है। इसी कथा से हमारे पूर्वजों को सुख शांति एवं समृद्धि की प्राप्ति हो, वैकुंठ में वास हो उन्हीं का, एवं समाज एवं धर्म के प्रति सदैव आस्था बनी रहे। जयसिंहपुरा यंत्रमेल मार्ग गोविंद हाल पर यह कथा हो रही है। 7 दिवसीय कथा है और 22 तारीख को इसका समापन होगा श्री गुरु जी के मुख चरण से। कितने वर्षों से कथा कर रहे हैं आप लोग? हम सर ये 2 वर्षों से कथा कर। क्या मानते कथा से क्या होता है, क्या मिलता है? कथा से जल कल्याण में उद्धार होता है और ये 7 पक्ष में हो रही है कथा। हमारे पितृ लोग जो पितृदेव है हमारे, ये उनके आस्था के माध्यम से कराई जा रही है, ताकि इसमें सभी जो भक्तिभाव से आने वाले लोग हैं उनका सबका जन कल्याण। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।